तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 5 लोकसभा सीट सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और झंझारपुर में लोगों ने मतदान किया। बिहार में शाम 6 बजे तक 59.80% वोटिंग हुई है। झंझारपुर में 55.50%, सुपौल में 62.0%, अररिया में 62.50%, मधेपुरा में 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सबसे कम खगड़िया में 58% मतदान हुए। निर्वाचन आयोग ने 6 बजे तक का संभावित आंकड़ा जारी कर दिया है। अररिया में सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं तो झंझारपुर में सबसे कम मतदान हुए हैं। अंतिम आंकड़ों में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। लगभग 60% अपनी निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है 6 बजे तक। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने अनुमानित है मतदान प्रतिशत 6 बजे तक लगभग 60% 60%। 2024 और 19 का जो 19 का लोकसभा इलेक्शन का यही 5 संसदीय क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2019 में इन पांचों का 61.22 था मतदान प्रतिशत। तो अररिया में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वहीं अगर हम झंझारपुर की बात करें तो वहां पर सबसे कम। और इस रथ को देखकर आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि वोटों का प्रतिशत क्या रहा है। तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और मतदान समाप्त होने के बाद जो वोटों का आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, उसमें पहले से इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर मतदाताओं में और जागरूकता हो तो ये मतदान प्रतिशत 80%, 90% तक भी पहुंच सकता है। तो वोटों का क्या प्रतिशत रहा है, एक बार फिर से इसकी पूरी पूरी जानकारी आपको देंगे कि 5 लोकसभा सीटों पर जो आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्या वोट प्रतिशत रहा वो देखिए। सबसे पहले ओवरऑल आंकड़ा 59.80%। बिहार में आज मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 6 बजे तक मतदान का आंकड़ा झंझारपुर में 55.50% रहा। झंझारपुर की बात कर रहे हैं जहां सबसे कम रहा है। सुपौल में 62.62% लोगों ने आज सुपौल में मताधिकार का प्रयोग किया। मधेपुरा में 61% लोगों ने वोट डाले हैं। इसके अलावा अररिया की भी बात करेंगे, वहां पर कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले वो भी देख लेते हैं। 62.50% लोगों ने अररिया में अपने वोट डाले हैं। इसके अलावा खगड़िया, सीमांचल का क्षेत्र, वहां पर 58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या वोट प्रतिशत रहा है, कितने लोगों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पिछले 2 फेज के मतदाताओं की संख्या में इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली और इसकी बहुत सारी वजहें भी बताई जा रही है। कुछ वजह मौसम के मिजाज को भी बताया जा रहा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, न्यूज 18 की खबर।